हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे हैं और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि होने वाला है रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग डायग्राम्स, राइट। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें मैं बात करूंगा कि जब भी आप डायग्राम बनाएंगे तो उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, राइट, जिनको आपको अपने दिमाग में रखने जरूरी है जब भी आप डायग्राम्स को बनाएं, राइट। सो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन, सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड, एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, एनी टॉपिक, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू गिव यू द आंसर ASAP, ठीक है ना। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं, व्हिच इज अबाउट द रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग डायग्राम्स, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। So as we have discussed earlier, the prime objective of diagrammatic representation of data is to highlight their basic hidden facts and relationship, है ना। तो जो हमारा जो बेसिक काम होता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि जो बेसिक हिडन फैक्ट्स एंड रिलेशनशिप है उसको एक तरीके से हाईलाइट करना, उसको दिखाना कि क्या जो है इसमें से आउटकम निकल करके आ रहा है। और समटाइम्स टेबल को एक तरीके से रीड आउट करना, उसको समझ पाना, इट्स अ काइंड ऑफ बिट ट्रिकी, ठीक है ना। तो इन दैट केस जो है हमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का सहारा लेना पड़ता है और डायग्राम को देख करके चीजें हमें बहुत ही आसानी से और जल्दी समझ में भी आ जाती हैं, राइट। सो टू इंश्योर दैट द प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इज मोर अट्रैक्टिव एंड अफेक्टिव, देयरफॉर इट इज एसेंशियल टू कीप द फॉलोइंग जनरल रूल्स इन माइंड व्हाइल अडॉप्टिंग डायग्राम्स इन रिसर्च वर्क, है ना। तो वही बात है कि जैसा कि आपको पता है कि चीज़ों को डायग्रामेटिकली जब हम दिखाते हैं, ग्राफिकली जब हम दिखाते हैं, तो चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, हम इंटरेस्ट लेते हैं उस चीज़ में। तो जब भी हम इस चीज़ को बनाएं तो हमें कुछ चीज़ें जो है, जो जनरल रूल्स हैं, वो भी आपको अपने दिमाग में रखनी है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अब हम इन रूल्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप नोट्स खरीदना चाहते हैं हमारे पास से, जो कि बहुत ही लो प्राइस पे अवेलेबल है, या फिर आप अगर हमारे चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं जहाँ पे आपको नोट्स बहुत ही सस्ते दामों पे मिल जाएंगे, आपको असाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और 24/7 आपको सर्विस मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस, आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और उसके बाद ये जो ज्वाइन का बटन है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे IGNOU MCOM में आना है और इस वाले ज्वाइन के बटन के ऊपर क्लिक करके आपको हमारे मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे पेमेंट कर लेने के बाद आपको मोर अबाउट बॉक्स में जाना है और यहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक आपको दिखेगा, जहाँ पे क्लिक करके आपको हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पे सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपको लो कॉस्ट नोट्स मिल जाएंगे, आपको 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ स्टडी के लिए आप हमारे वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेबसाइट पे सारे के सारे नोट्स फ्री हैं, वहाँ पे आपको खर्चे करने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर आप स्पेशलाइज्ड नोट्स हमारे पास से लेना चाहते हैं तो इन दैट केस यू विल हैव टू पे अ सम अमाउंट, राइट। सो दिस इज व्हाट आई नीड टू टेल यू अबाउट दिस। नाउ अब बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक के बारे में कि हमें रिप्रेजेंटेशन करते वक्त जब भी हम डायग्राम बनाएंगे तो किन किन चीज़ों को हमारे दिमाग में रखना होगा। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, यू मस्ट हैव नोटेड दैट द डायग्राम्स मस्ट बी जियोमेट्रिकली एक्यूरेट, है ना। तो जो डायग्राम्स हम बनाएंगे वो जियोमेट्रिकली एक्यूरेट होना चाहिए, इसीलिए देयरफॉर दे शुड बी ड्रॉन ऑन द ग्राफ्स, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जब आप क्लास 10th में होंगे तो आपने ग्राफ्स बनाया होगा, राइट, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होते हैं, वहाँ पे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिखते हैं और उसके बेसिस पे जो है हम फिर डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। हाउएवर द डायग्राम आर जनरली ड्रॉन ऑन अ प्लेन पेपर आफ्टर कंसिडरिंग द स्केल। लेकिन आप जो ग्राफ क्लास 10th में बनाते थे, ग्राफ पेपर आपको हमेशा तो नहीं मिल सकता ना, तो इन दैट केस यू विल हैव टू ड्रॉ इट ऑन अ प्लेन वाइट पेपर, राइट। सो whenever you will draw a graph in a plain and white paper you will need a scale, right। तो उस scale का इस्तेमाल करके आपको जो है माफी चाहूंगा, आपको जो है x एक्सिस और y एक्सिस बना करके आपको अपने डायग्राम को ड्रॉ करना होता है, राइट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज व्हाइल टेकिंग द स्केल ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस यू मस्ट इंश्योर दैट द स्केल शोइंग द वैल्यूज शुड बी इन मल्टीपल ऑफ 2, 5, 10, 20 एंड 50। तो आपको याद भी होगा जब हम हिस्टोग्राम या फिर बार ग्राफ बनाते हैं, जब भी कुछ भी ग्राफ बनाते हैं तो हम जो है मल्टीपल्स लेते हैं, 5 हो गया, फिर 10 लिया, फिर 20 लिया, 5 लिया, 10 लिया, 15 लिया, 20 लिया, 25 लिया, 30 लिया। तो जो डिफरेंस है वो एक तरीके से सेम होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए किसी एक नंबर का। जैसे कि दो ही मान लो ले लो, तो 2 का मल्टीपल हो गया 4, 6, 8, 10, 12, है ना, ऐसे करके। तो हमें जो है मल्टीपल्स में लेना पड़ेगा, हमें ये इंश्योर करना है। थर्ड पॉइंट इज द स्केल शुड बी क्लियरली सेटअप। जो स्केल है वो क्लियरली समझ में आना चाहिए। मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ पर्संस इन लैक्स, तो स्केल आप बनाओगे जैसे कि यहाँ पे मिलियंस ऑफ टर्न्स की बात की जा रही है, पर्सन इन लैक्स की बात की जा रही है, कितने सारे लोग हैं, तो लैक्स में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 मतलब हो गया 5 लाख, 10 मतलब हो गया 10 लाख, इस तरीके से। तो स्केल आपको ठीक तरीके से वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, सेटअप करना होगा। वैल्यू इन थाउजेंड्स ईटीसी, यहाँ पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में क्या हो जाएगा, वाई एक्सेस द स्केल स्टार्ट्स फ्रॉम द जीरो, वाई एक्सेस का जो स्केल है वो जीरो से स्टार्ट होता है। द वर्टिकल स्केल इज नॉट ब्रोकन, है ना, और जो वर्टिकल स्केल है वो टूटना नहीं चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेटा आपका ज्यादा अवेलेबल है और आपने स्केल जो वहां पे बनाया है, जो ग्राफ आपने बनाया है वो छोटा पड़ गया, है ना, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आपको एक प्रॉपर जो है, जैसे कि आपका सपोज वैल्यू 20 लाख तक जा रही है तो आपको एटलीस्ट 25-30 तक आपको जो है स्केल लेना होगा, राइट। नाउ द फोर्थ पॉइंट, एवरी डायग्राम मस्ट हैव अ कंसाइज एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल व्हिच मे बी रिटन ऑन द टॉप और द बॉटम ऑफ द डायग्राम, है ना। तो हर एक डायग्राम के साथ आपको एक कंसाइज वे में एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल लिखना है, जिसको पढ़ करके लोगों को समझ में आ जाए भाई कि ये जो टॉपिक है, ये जो डायग्राम है, ये किस चीज से रिलेटेड है, राइट। अगर ये नहीं लिखा हुआ रहेगा तो समझ में नहीं आएगा। और ये डायग्राम जो है आप या फिर तो टॉप पे या फिर ग्राफ के नीचे में लिख सकते हो, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू ड्रॉ रीडर्स अटेंशन, अगर आपको रीडर्स अटेंशन लेना है, रीडर्स जो भी आपका डायग्राम पढ़ेगा देखेगा, अगर आपको उसका अटेंशन चाहिए तो इन दैट केस डायग्राम मस्ट बी अट्रैक्टिव एंड वेल प्रोपोर्शनड, है ना। तो जो डायग्राम है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए और वेल प्रोपोर्शनड होना चाहिए। डिफरेंट कलर्स और शेड्स शुड बी यूज्ड टू एग्जिबिट various components of diagrams and also an index must be provided for identification, है ना। तो आपको अपने डायग्राम को different कलर्स के साथ फिल अप करना चाहिए ताकि वो देखने में ज्यादा खूबसूरत लगे, अट्रैक्टिव लगे। और जो भी आप इंडेक्स बनाओगे, इंडेक्स आपको बनाना इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि इंडेक्स में सारी चीजें होती है कि क्या क्या चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, किन किन चीजों को दिखाया जा रहा है ग्राफ के माध्यम से। तो एक इंडेक्स को प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आइडेंटिफिकेशन हो पाता है डिफरेंट चीजों का जो भी आप इस्तेमाल करोगे अपने स्केल में, अपने ग्राफ में, राइट। The seventh and the last point is, it is essential to choose a suitable type of diagram. माफी चाहूंगा। तो आपको एक एसेंशियल एक अच्छा टाइप ऑफ डायग्राम जो है आपको चूज करना इंपॉर्टेंट है। द सिलेक्शन विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जो भी आप सुटेबल टाइप ऑफ डायग्राम लोगे वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे कि मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है प्रेजेंटेशन का वो भाई क्या है। तो इन सारी चीजों के ऊपर ये सारी चीजें जो है डिपेंडेंट होती है। तो ये 7 पॉइंट्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रूल्स है फॉर प्रिपेयरिंग डायग्राम। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। मैं आपको अभी भी एनकरेज करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और जो मेंबरशिप है उसे आप हमारे चैनल के एक्सक्लूसिव मेंबर बनिए, वहां पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो प्लीज आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर के स्टडी कीजिए, वहां पे आपको वीडियोस जो है 1 by 1 मिल जाएंगी जिनको देख करके आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स ला पाओगे। सिंपल सा प्रोसेस क्या है, कॉमर्स की पाठशाला में इसको सर्च करने के बाद यूट्यूब में यहाँ पे आना है, आने के बाद आपको प्लेलिस्ट में जाना है और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको आना है इग्नू एमकॉम में। आप जैसे इग्नू एमकॉम के ऊपर क्लिक करेंगे आपको IBO 1 से लेकर के IBO 6 जो कि फर्स्ट ईयर है और MCO 1 से लेकर के MCO 7 जो कि सेकंड ईयर है, सारी की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जहाँ पे ढेर सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी जहाँ पे ढेर सारी वीडियोस है। आप इनको वॉच करके अच्छे मार्क्स एग्जामिनेशन में डेफिनेटली ला सकते हैं। साथ ही साथ वेबसाइट के बारे में मैंने आपको बताया जहाँ पे आंसर्स दिए गए हैं ऑलरेडी। आप अगर आपको वीडियो अगर आप नहीं देख पाते हो तो आप पढ़ सकते हो आंसर्स को। सिंपल सा प्रोसेस है, कॉमर्स ई पाठशाला की वेबसाइट पर जाना है, लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आपको वहां से जो है सारी चीजों को एक्सेस करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, थैंक यू।